मैट्रिक पास सभी छात्रों के लिए क्लास 11th लाइव क्लास शुरू है। अगर आपने हमारे द्वारा बनाए गए पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उनको ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आपको 11th का सभी वीडियो मिल जाएगा और आप शुरुआत से 11th की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जो है कि जानेंगे सबसेट के बारे में। देखिए यह एक्सरसाइज 1.2 का जो अब हम सॉल्यूशन करेंगे उनका थ्योरी है, उनसे पहले हम परिभाषा लिखाएंगे, कुछ जो फॉर्मूले होते हैं उनको समझाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को हम बनाएंगे। तो देखिए सबसेट, सबसेट का हिंदी होता है उपसमुच्चय, सबसेट का हिंदी होता है उपसमुच्चय सबसेट। अब देखिए जो छात्र इंग्लिश में परिभाषा को लिखना चाहेंगे वो इंग्लिश में लिख सकते हैं और जो हिंदी में लिखना चाहेंगे वो हिंदी में लिख सकते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का अर्थ हो गया कि समुच बी का उपसमुच कहलाता है, यानी जो है समुच ए बी का क्या कहलाता है, उपसमुच कहलाता है। इफ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो ए के प्रत्येक एलिमेंट इज एन ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, बी का भी क्या हो, अवयव हो, एलिमेंट मतलब क्या होता है, अवयव। अब देखिए आपने सेट पर ही लिया है तो सेट अब क्या आ गया है, सब सेट आ गया। तो सेट किसे कहते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं, हमने प्रथम वीडियो में बता दिया है। अब देखिए हिंदी में पुनः सुन लीजिए, आप लोग कॉपी खोलिए और लिखिए उपसमुच की परिभाषा। अब देखिए समुच ए का, यहाँ पर समुच ए बी का उपसमुच कहलाता है, समुच ए बी का उपसमुच कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो। अब देखिए अब इसे हम लिखते कैसे हैं, वी राइट ए सबसेट बी, ए सबसेट बी ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं, ए उपसमुच बी सबसेट। ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए ये जो साइन है इसे हम क्या बोलते हैं, सबसेट। देखिए ये चेन इसी को हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। अब देखिए अभी जो हम परिभाषा लिखाए हैं इनका क्या अर्थ हुआ, तो यहां पर हमने क्या लिखा है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, बी में हो, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, तो ए को हम बी का सबसेट कहते हैं। पुनः आप लोग बोलिए सबसेट किसे कहते हैं, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो ए को हम बी का सबसेट कहते हैं। एग्जांपल इनका देखिए, जैसे ए कोई सेट है, इसमें देखिए एक दो तीन एलिमेंट है और बी कोई एक सेट है, देखिए ए सेट है और बी कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है एक दो तीन चार, और यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं लेकिन परिभाषा के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट यानी ए में क्या है, एक, तो बी में देखिए क्या है, एक, फिर देखिए ए में है दो तो बी में क्या है, दो, फिर ए में है तीन तो बी में क्या है, तीन, तो यानी ए का जो है, देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट यानी एक दो तीन इसमें भी है एक दो तीन, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है कि नहीं है, तो ए को हम बी का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, ए को हम बी का सबसेट कहेंगे। यानी ए क्या हो गया, बच्चा हो गया और बी क्या हो गया, बाप हो गया। तो देखिए बच्चा जो है कि बाप में समा रहा है कि नहीं समा रहा है, ऐसे भी ध्यान रखिए, यानी ए कहलाता है बी का सबसेट, यानी जिस सेट का एलिमेंट होगा जिस सेट में, यानी ए का सब एलिमेंट किसमें हो गया, बी में, तो बी नहीं कहलाएगा, ए कहलाएगा बी का सबसेट। यानी सबसेट जैसे आप लोग समझते हैं कि जैसे वृक्ष है उनसे डालियां निकलती है कि नहीं निकलती है, तो वही हो गया,
तो शाखा हो गया, जैसे ये जो है ना ये बी में समा रहा है। तो अब समझ चुके हैं कि सबसेट किसे कहते हैं। अगर एक एग्जांपल और ले ले, इसमें हम ले लेते हैं ए बी, ए बी और एक डी ले लेते हैं सेट, इसमें हम ले लेते हैं ए बी सी। अब देखिए सी का प्रत्येक एलिमेंट डी में है कि नहीं है, ए है तो यहां पर भी ए है, बी है तो यहां पर भी बी है, तो सी का प्रत्येक एलिमेंट डी में है। तो देखिए सी को हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, सी कहलाएगा सबसेट, सी डी का क्या कहलाएगा, सबसेट। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि इसमें ज्यादा ही एलिमेंट है, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए बराबर आपको एक दो तीन रहे और बी बराबर आपको रहे एक दो तीन। तो देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है, बी में, अब बी का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है, ए में। तो देखिए इनको लिख लीजिए सी सबसेट डी। तो अब देखिए इनको आप क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट बी या बी सबसेट ए, ऐसे आप लिख सकते हैं। यानी ए का भी प्रत्येक एलिमेंट बी में है, बी का भी प्रत्येक एलिमेंट जो है कि ए में है, तो दोनों जो है एक दूसरे का सबसेट है, दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, सबसेट। पुनः बोलिए सबसेट किसे कहते हैं, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो ए को हम बी का सबसेट कहते हैं, ए को हम बी का क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। चलिए इसी में हम जान लेते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट इनका हिंदी होता है प्रॉपर सबसेट का उचित उपसमुच, उचित उपसमुच। अब देखिए इंग्लिश में इसका परिभाषा क्या होता है, इसके बाद हिंदी में भी हम लिखा देंगे। तो इफ ए सबसेट बी, इफ ए सबसेट बी, इसका अर्थ हो गया कि ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है, बी में, यानी ए सबसेट बी हो तो ए को हम सबसेट कहते हैं बी का, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो। एंड अब यहां पर देख सकते हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं हो, देन ए इज कॉल्ड, तब जो है कि ए कहलाता है अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है, यानी बी का उचित उपसमुच कहलाता है। अब परिभाषा क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो हमने हिंदी में बोल ही दिया है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर कॉपी पर आप लोग लिखिए, यदि ए बी का उपसमुच्य हो, यदि ए बी का उपसमुच्य हो और ए बी के बराबर नहीं हो तब ए बी का उचित उपसमुच कहलाता है। अब देखिए इनको इस प्रकार से भी और दूसरे प्रकार से भी इनके परिभाषा को लिख सकते हैं, कैसे, यदि ए बी का उपसमुच हो, आप लोग मेरे साथ परिभाषा को लिखते चलिए, यदि ए बी का उपसमुच्य हो, यदि ए बी का उपसमुच्य हो बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो, हो जो ए में नहीं हो तब ए बी का उचित उपसमुच कहलाता है। कहलाता है। अब देखिए अब इसका चिन्ह क्या है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये चिन्ह जो है ये प्रॉपर सबसेट का चिन्ह है, प्रॉपर सबसेट। अब देखिए इससे क्या अर्थ निकलता है, यानी ए बी का क्या हो, सबसेट हो, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें हो, बी में हो। एग्जांपल जैसे ए बराबर हम क्या ले लेते हैं, एक
दो ले लिए और बी बराबर। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या है, एक दो है, ए बराबर एक दो है और बी बराबर हम ले लेते हैं एक दो तीन। अब देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो ए जो है बी का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। और देखिए इसमें जो तीन है या इसमें तीन है तो बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में नहीं हो, तो ए को हम बी का क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो इसलिए ए क्या हो गया, बी का प्रॉपर सबसेट हो गया। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी, तो यानी बी में अवयव होगा यानी ए से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसको आपने समझ लिया है। चलिए अब अगले परिभाषा को देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि सुपर सेट ऑफ ए सेट, सुपर सेट ऑफ ए सेट हिंदी इनका क्या होता है, समुच का आधी समुच, समुच का आधी समुच, सुपर सेट ऑफ ए सेट। अच्छा सुपर जैसे लग गया तो अब देखिए सुपर कितना सुपर नाम सुने हैं, सुपरमैन, सुपर स्पाइडरमैन, आप लोग सुपर सुपर यानी इन सब से कितना परिचित हैं। तो देखिए सुपर कहने से अर्थ हो गया कि उसमें कुछ विशिष्ट गुण होगा, तो वही चीज है, कुछ है नहीं इसमें, आप लोगों के माइंड में बैठेगा और मैं बैठा दूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखो, कुछ भी नहीं है और यहीं पर परिभाषा याद होगा, जाकर के एकदम सो जाओ, कम्बल ओढ़ के घी भी पियो फिर भी याद रहेगा, ऐसे हम बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका परिभाषा क्या है कि इफ मतलब क्या हो गया, यदि यदि ए सबसेट बी यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें हो, बी, बी में हो, क्योंकि सबसेट है ए, देन बी इज कॉल्ड, देन बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ ए, ऑफ ए सेट ए, यहाँ पर सेट लिख दीजिए। तो बी को हम ए का क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं, बी को हम ए का सुपर सेट कहते हैं, यानी ये जो बी है ये क्या हो गया, सुपर सेट, और ये क्या हो गया सेट। तो देखिए यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में रहेगा, एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के माइंड में ही बैठेगा, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ए बराबर क्या है, ले लेते हैं एक दो, और बी बराबर हम क्या लेते हैं एक दो तीन। अब देखिए तो ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है, बी में, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो देखिए ए बड़ा है कि बी बड़ा है, फाइनली बी बड़ा है, तो जो बड़ा होगा जिसमें ज्यादा एलिमेंट होगा ज्यादा गुण होगा वही ना सुपर सेट होगा, तो इसलिए बी क्या है सुपर सेट है और ए क्या है सेट है। अब सुपर सेट अब इसी में हम क्या करेंगे कि पहला एग्जांपल हो गया, तो दूसरा एग्जांपल हम इस प्रकार से ले लेते हैं। देखिए ए बराबर हम ले लेते हैं एक दो तीन और बी बराबर ले लेते हैं हम एक दो, तो अब बताइए कौन सुपर सेट होगा। तो यहाँ पर सुपर सेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए में ज्यादा एलिमेंट है बी में कम है, तो इसलिए सुपर सेट यहाँ पर आपको ए होगा। ऐसे करके आप जो भी एग्जांपल ले आप लोग समझ ही चुके हैं कि सुपर सेट किसे कहते हैं, यानी दो सेट की तुलना कीजिए, यानी दो सेट की जब आप तुलना करेंगे जिसमें ज्यादा एलिमेंट रहेगा, जिसमें ज्यादा एलिमेंट रहेगा यानी ए और बी की हम तुलना करते हैं, ज्यादा एलिमेंट किसमें है ए में है और इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें भी रहना चाहिए, यह भी ध्यान रहना चाहिए। तो देखिए सुपर कौन कहलाएगा, ए कहलाएगा कि बी, तो फाइनली क्लियर है ए क्या कहलाएगा, सुपर कहलाएगा। तो आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए और आप लोग कहीं भी क्लास 11th पढ़ते हैं तो मिलाइए, देखिए इनसे फाजिल परिभाषा आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो आपने सुपर सेट को जान लिया, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो बी सुपर सेट है तो बी सुपर सेट ए, बी सुपर सेट ए, यहाँ पर क्या है ए सुपर सेट है तो ए सुपर सेट बी, ऐसे। तो देखिए इसी में एकदम घबराना नहीं है, ए सबसेट बी है, तो देखिए ए हो गया आपको सेट, अभी क्या हो गया यानी बड़का मुंह जिधर रहेगा ना वही सुपर सेट होगा, इतना ध्यान रखिए, बड़का बड़का मुंह किधर है बी के तरफ, बी सुपर सेट हो गया, ए के तरफ है तो ए सुपर सेट हो गया, ऐसे भी ध्यान आप लोग रख सकते हैं। देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट यानी उपसमुच के गुण, उपसमुच के गुण, इनका हिंदी हो गया। अब देखिए पहला गुण क्या है कि इच सेट, इच
सेट। अब देखिए ये सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक समूह जो होता है स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। इनका हिंदी क्या हो गया, प्रत्येक समूह स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो प्रत्येक समूह स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, माना कि कोई एक क्या है सेट है, तो ए सबसेट क्या होगा, ए, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट है ए में रहेंगे, मतलब स्वयं से तुलना करेंगे तो एलिमेंट तो एकदम एक दूसरे में रहेगा, यानी अलग थोड़े होता है ए, और फिर सबसेट ए कह रहे हैं तो ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में होगा क्योंकि ए और ए एक ही है। अब देखिए इसलिए प्रत्येक सेट जो होता है स्वयं का सबसेट होता है। फिर है कि फाइ इज द सबसेट ऑफ इच सेट्स, फाइ जो होता है फाइ प्रत्येक समूह का, फाइ प्रत्येक समूह का उपसमूच होता है। इनका हिंदी क्या हो गया, आप लोग कॉपी में लिखते जाए, फाइ प्रत्येक समूह का समूच होता है, फाइ जो होता है प्रत्येक समूच का उपसमूच होता है। अब देखिए तीसरा गुणधर्म, दूसरा तक तो देख लिया, पहला दूसरा तीसरा, इफ ए सबसेट बी, यदि ए बी का क्या हो, सबसेट हो, एंड एंड मतलब क्या हो गया, और बी सबसेट ए, यानी ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो देन ए बराबर बी, तब ए बराबर क्या होता है, बी होता है, यानी ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो ए बराबर बी होता है। अब कैसे होता है, देखिए ए में एक दो एलिमेंट है और बी में एक दो एलिमेंट है, तो देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, ए बराबर क्या होगा, बी। तो यही था, तो आज की क्लास में इतना ही, कल जो है कि इंटरवल चलेगा, तो आप लोग जो है कि 11:30 बजे लाइव प्रत्येक दिन क्लास आप लोगों को मिलेगा, तो इसलिए प्रत्येक दिन आकर के तैयारी करते रहे।